और बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की, जिसका आज तीसरा रोज है। कराची पोर्ट पर भी कार्गो लोडिंग बंद है। जुमे तक मुतालबात ना माने गए तो ऑयल टैंकर ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शरीक हो जाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने खबरदार कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पोर्ट कासिम के बाद कराची पोर्ट पर भी कार्गो लोडिंग रोक दी है। तर्जुमान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि हड़ताल का तीसरा दिन है, लेकिन विफाकिस्ता पर किसी ने राबिता नहीं किया है। तर्जुमान ने कहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कराची पोर्ट पर दरामदी और बरामदी मसनूआत, खाद, कोयला और हर किस्म की सनती और तामीराती मशीनरी के अंदरून मुल्क तरसील रोक दी है। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि उनके मुतालबात की मंजूरी तक मुल्क की सनतों की तैयार करदा बरामदी मसनूआत की तरसील भी मुअत्तल रहेगी। जुमे तक एक्सल लोड लिमिट का निफाज, ड्राइविंग लाइसेंस और जुर्मानों की मैकेनिज्म भी तब्दीली के साथ साथ तमाम मुतालबात ना माने गए तो फिर ऑयल टैंकर ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शरीक हो जाएंगे। उधर तीन दिन से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज बने हुए हैं और वफाकी वजारत मवासलात खाबे खरगोश के मजे ले रही है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स 1 जनवरी 2020 को नाफिज होने वाले भारी जुर्मानों के नोटिफिकेशन को लूट मार का नोटिफिकेशन समझते हैं। कराची में 2 बैन अलावामी पोर्ट्स हैं, मगर ट्रांसपोर्टर्स को अपने ट्रक ट्रॉलर्स और कार कैरियर्स पार करने के लिए पार्किंग यार्ड दस्तयाब नहीं।